नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वाभिमान पर वार, अब की आर या पार। किसान मजदूर संगठन, जी हां, सीतापुर में किसान आंदोलन के अगुवाकारों में प्रमुख संगठनों के लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम एक बार उन सभी अतिथियों का परिचय करा देते हैं। तो एक तरफ से चलेंगे, ये हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह जी, और उनके बगल में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश सचिव उमेश पांडे जी। जस्ट हमारे बगल में बैठे हुए हैं किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पिंदर सिंह जी सिद्धू, और सबसे कोने में बैठे हुए हैं हमारे साथ राष्ट्रीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धीरज पांडे जी। तो एक बार सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं और आज की चर्चा पर शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले शिव प्रकाश सिंह जी से। ये बताइए कि आप पिछले करीब 73 दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है जिस तरीके से, जिस मुद्दे को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या उस मुद्दे को लेकर के आपको शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से या सरकार स्तर से सुना भी जा रहा है? ये हम सबका दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 72 वर्षों बाद माने टिकैत जी की अगुवाई में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसको दफनाने के लिए प्रशासन सारी प्रक्रियाएं चालू कर चुका है। हम जैसे लोगों को घरों पर ही बंधक बना लिया जाता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हम आज़ाद होकर के भी अपना पक्ष की बात नहीं रख पाते, अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पाते, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो ये कैसी आज़ादी है, ये एक सोचनीय प्रश्न है। लेकिन सोचना चाहिए प्रशासन को और शासन को भी कि अब किसान भी जागरूक हो चुका है। ये हम लोगों का आंदोलन जो है निर्णायक भूमिका में है, और मैं इस बात के लिए प्रशासन को, शासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप चाहे हमको जितना बंधक बनाएं, चाहे जिस तरीके से हम लोगों पे रोक लगाएं, लेकिन ये जागरूकता अब हम लोगों का हथियार बन चुकी है और इसका परिणाम निश्चित रूप से किसान के हित में होने वाला है। शिव प्रकाश सिंह जी, एक बात ये बताइए, आपने कहा कि जब भी हम आंदोलन करते हैं प्रशासन हमें बंधक बनाने की जैसी कदम उठा लेता है। आप 73 दिन में ये बात क्लियर करिए कि कितनी बार आपके यहाँ पुलिस आपको बंधक बनाने पहुँची या फिर आपको रोका गया है, किस तरीके से रोका जाता है? इन 73 दिनों में 15 दिन पुलिस प्रशासन ने मेरे घर पे मुझे बंधक बनाए रखा, एक दरोगा और एक कांस्टेबल समूचा दिन मेरे साथ में रहा और एक दरोगा और एक कांस्टेबल रात में रहा। फिर भी किसी तरीके से हम लोग चकमा देकर के पुलिस को मौके पे पहुँचे, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे साथी लोग हम लोगों के पास नहीं पहुँच पाए, उनको बीच में रोका गया और आंदोलन को कुचलने के सारे प्रयास किए गए। उमेश पांडे जी, 73 दिन हो गया आंदोलन को, आप वहीं पर खड़े हैं, आप जो है कसूरवार इसका कौन है, आप क्या मानते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम वहीं पर खड़े हैं? इन 73 दिनों में हम बहुत आगे बढ़े हैं। हम इतना आगे बढ़े हैं कि जहां हमारा आंदोलन हो रहा है वहां सरकार को कीले ठोकनी पड़ी। हम इतना आगे बढ़े हैं कि 18 तारीख से आज की तारीख तक, अभी इस समय भी मैं बाकायदा पुलिस की निगरानी में हूँ। इन 73 दिनों में हम इतना आगे बढ़े हैं
कि हम जब किसी आंदोलन का अनाउंस करते हैं कि हम ज्ञापन भी देंगे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर से निकलते ही सरकार गिर जाएगी, सरकार हिल जाएगी और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जनपद में सभी सड़कों की, प्रमुख नेताओं के घरों की घेराबंदी चालू कर देता है। ये डर भी, जो प्रशासनिक डर है, जो सत्ता का डर है, ये मेरे आंदोलन की कामयाबी भी तो है। लेकिन इन सब के बावजूद जो आपकी मांग है, जिसको लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सका है, ऐसा क्यों? ये जो सरकार है, खासतौर पर वर्तमान सरकार, ये डेमोक्रेटिक तो कभी थे नहीं पहले भी। तानाशाही की जो इनकी प्रवृत्ति है, और ये मन मान के बैठे हैं कि ये एक दिन, दो दिन, चार दिन, छः दिन, महीना, दो महीना में थक के वापस हो जाएंगे या हम इनको थका देंगे। सरकार इस गलतफहमी में है, सरकार इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहे। हम लोगों ने पूरा मूड बना लिया है कि 5 साल 10 साल 15 साल अगर ये रहे तो लगातार इनसे, और अगर ये नहीं रहे तो इनके बाद जो आएगा उससे। मांगे तो हमारी मानी जानी है, MSP पे कानून बनना है, तीनों कृषि विरोधी काले कानून वापस होने हैं, इससे कम पे कोई समझौता नहीं होना है किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में। यही सरकार मानेगी, आप देखते रहिए। पिंदर सिंह जी, ये बताइए कि सीतापुर में जो आंदोलन के क्या हालात हैं? सीतापुर में जैसे हम लोगों ने आंदोलन जैसे ही 25 तारीख से वहाँ चालू है, हम लोगों ने यहाँ छोटा मोटे कार्यक्रम जैसे ही चालू करने किए हैं और प्रशासन द्वारा इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा दी जा रही है कि जैसे हम पता नहीं कोई लोगों को भड़काने जा रहे हैं या हम कहीं डकैती डालने जा रहे हैं या कोई हम लोग बैंक लूटने जा रहे हैं, ऐसे तरीके से घेराबंदी की जा रही है। हम लोगों को तो अपनी बात रखने का हक भी नहीं दे रहे यहाँ का शासन प्रशासन। हमने जो ट्रैक्टर रैली निकाली थी 7 तारीख को, उस दिन भी आपने देखा होगा कि देखिए कैसे प्रशासन हम लोगों से झड़प कर रहा, हमसे इतनी झड़प कि तुम्हारा छज्जा गिरवा देंगे, ऐसी ऐसी बातें प्रशासन पता नहीं कैसे किस बलबूते पे कर रहा है। भाई हमने सरकार बनाई है, हमने वोट दिया है आपको, तब आप सत्ता में बैठे हो। इन किसानों को आपने कहा था आपका कर्ज माफ करेंगे, कर्ज तो छोड़ो, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं करवाया आपने, पूरा साल साल हो गया है, हम लोग बहुत तंग हो चुके हैं, बहुत त्रस्त हो चुके हैं। तो सीतापुर में अब तक ट्रैक्टर रैली, गांव-गांव, कई गांव ऐसे रहे जहां पर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन हो चुका है और मानव श्रृंखला बनाकर के भी, 7 किलोमीटर की मानव श्रृंखला इन किसान लोगों ने बनाई है और इनके सबके नेतृत्व में बनाई है। तो कहने का मतलब है, इन सारे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद आप लोग आए दिन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रशासन भी उसमें आपको रोकने का प्रयास पूरा करता है। फिर अगर हम बात करें तो लगता नहीं है कि सीता एक चर्चा में आया दिल्ली, तो दूसरा सीतापुर भी कहीं ना कहीं चर्चा में आया उस वक्त जब यहाँ ऐसे लोगों को 10-10 लाख, 5-5 लाख के मुचलके की नोटिसें थमा दी गई थी। आप लोगों को रोकने का ही या आंदोलन को कुचलने का ही एक बड़ा प्रयास हुआ था। बिल्कुल, पूरी तरीके से कोई कसर नहीं रख रहा है शासन प्रशासन, हर तरीके से हमारे ट्रैक्टर जो आए हुए थे या जो दिल्ली जाने वाले थे, जो सोच रहे थे, तो उनको नोटिस दिया गया, ट्रैक्टर की आरसियां जो भी है निकाल के RTO ऑफिस से एक एक ट्रैक्टर की, इन लोगों ने आज ये गिनती लगा ली कितने ट्रैक्टर हमारे सीतापुर जिले में है, एक एक ट्रैक्टर को नोटिस दे दिया, कि किसान को नोटिस दे दिया। अरे भाई वो किसान कर क्या रहा है, क्या अपनी बात नहीं वो किसान कर सकता? वो किसान जब दूसरी जगह धरने देता था, जब आपकी सरकार नहीं थी, तब तो आप बहुत कुछ बहुत अच्छा हो रहा था आंदोलन। आज जब आपने हमको हर तरीके से घेर लिया है, जो चीज हमने मांगी नहीं है वो हमको सरकार देने पे तुली हुई है, हमने धरना करा करा के, इस बार जब से ये कानून लागू हो चुका था, पहले ही इस बार नवंबर दिसंबर में धान बिका है, धरना करा करा के धान हमने कुछ 1-2% लोगों का बिकवाया है, वो भी 30-30 दिन बाद MSP पे बड़ी मुश्किल से बिका है, और ये कह रहे हैं MSP जारी रहेगी, सब झूठ बोल रहे हैं, हमें इनकी किसी बात का कोई विश्वास नहीं है। हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा और जितना ये आंदोलन दबाने की कोशिश करेंगे, हमारे किसानों का आंदोलन और तेज धार से चलेगा। जागरूक पूरा शहर हो चुका है, पूरा देश हो चुका है, प्रदेश जागरूक हो चुका, नौजवान जागरूक हो चुका है, हर बंदा आज हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो बिल पास हो गए तो इसमें सबका घाटा है, ये खाली किसानों का घाटा नहीं है। किसान तो अपने खाने के लिए फसल बेचता है तो रख लेता है, अगर इनको सबको पता है, इन्होंने भंडारण की जो ये इसकी लिमिट खत्म कर दी है, अगर पूरा भंडारण ये 4 से 5 लोग कर लेंगे पूरे देश में, तो ये तो अपने चाबी मार के, ताला मार के भंडारण करके पूरा रख लेंगे ना भाई। जब ये पूरा भंडारण रख लेंगे, पूरी सामग्री सब रख लेंगे, कैसे ये दोगे आप गरीबों को? आपने जो 82 करोड़
गरीबों को ये गल्ला बांटने की आपने जो स्कीम 2013 में पास हुई है, कैसे आप गल्ला बांटोगे जब प्राइवेट जो लोग ये अडानी अंबानी जैसे लोग हमसे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके खरीद लेंगे, कैसे सरकार गल्ला बांटेगी? सरकार से सवाल करना चाहिए कि ये सब आप कैसे संभव कर पाओगे? आज जो ऐसे कानून आप ला रहे हो हमें देना है तो आप MSP की गारंटी दो, लागू करना है तो आप स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करो जिसमें हमारे गेहूं का रेट 2650 रुपए है। आज हमें अपनी बात कहने का हक नहीं, एक पानी की बोतल जो कि हमारे देश में पानी फ्री है कहीं भी जाओ उसकी भी कीमत 20 रुपए है, दुकान पे पार्ले जी लेने जाओ 5 रुपए का, पता है 5 रुपए लेके जाने। हम गल्ला धान गेहूं लेके चलते हैं, हमें यह नहीं पता हमारा कितने का बिकेगा। हमें MSP की गारंटी चाहिए, काले कानून ये वापस होने चाहिए। जो हमारे नेताओं को ये घर घर जो किसान नेता आवाज उठाता है उनको घर घर जाके ये लोग बंधक बना लेते हैं। अरे भाई कोई चोरी कर रहे हैं हम? क्या इतना भी हक नहीं रखा आपने? इतनी हिटलर शाही भाई करोगे आप? हमने आपको सत्ता में बिठाया है, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं अब भी आप मान जाओ, ये काले कानून वापस ले लो। किसान नरम दिल का है, माफ कर देगा आपको। पिंदर सिंह जी, शासन और प्रशासन दोनों कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो अराजकता है, वो दावे के साथ कहते हैं कि आप विरोध प्रदर्शन की आड़ में अराजकता करते हैं। क्या 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 हमने अराजकता कर दिया? हमने हमारे जो यहाँ के लोग हैं क्या कर दिया ये तो बताएं। हम जब हमें 26 तारीख को हमने यहाँ पैदल मार्च निकाला है, तिरंगा यात्रा हमने निकाली मंडी से लगा के काशीराम कॉलोनी से लगा के हमें लालबाग शहीद पद तक जाना था। हमें तो इन लोगों ने वहां से यहाँ तक इतना शासन प्रशासन लग गया, हम तो वहां से हमें चुंगी तक ही जाना दिया गया, हमारी रैली आगे जो है नहीं निकालने दी। किसानों की एक तिरंगा यात्रा जो कि गणतंत्र दिवस के दिन निकालनी थी देश के सम्मान में, इतना भी हम लोगों को हक नहीं रखा? तो हमें यह सरकार बताए कि कैसे ये इतने लोग वहां पहले ही पहुंच गए? ये सरकार की जिम्मेदारी थी, ये सारी सरकार की मिली भगत से काम हुआ है। हमारा कोई किसान अराजकता करना नहीं चाहता, वो शांतिपूर्ण तरीके से आज 73 दिनों से बैठा है। हमारे करीब 180 लोग शहीद हो गए, एक भी बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं करी। क्यों? क्या हम किसानों की खून पसीने के से कमाई की जो है हमारी सब जा रहा है और आपने एक बार भी हमसे बात नहीं करी, एक भी बार उन किसानों से बात नहीं करी आपने? और आप कहते हो कि मैं 2 मिनट दूर हूं, दो मतलब एक कॉल का फर्क है? अरे एक कॉल खाली, अरे एक कॉल के आपके पास जो नहीं पैसे हैं तो हमें बताते हैं। भाई हम लोग गरीब आदमी जरूर हैं पर एक कॉल के पैसे का जुगाड़ हम चंदा लगे प्रधानमंत्री जी आपको दे देंगे, लेकिन हमारे किसानों से बात करिए, उनको घर भेजिए, उनके बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनके दवाई लेने वाला कोई नहीं, हमारे यहाँ का पूरे प्रदेश का किसान वहाँ धरने में बैठा है। ओके ये कहना चाह रहे हैं धीरज पांडे जी, जैसा कि आप लोगों की बातचीत से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब ये लड़ाई आप लोगों की नाक की लड़ाई बन चुकी है। जी, ये लड़ाई अब हमारी रुकने वाली नहीं है, जब तक कि हम किसान लोग, जो हम किसान ही जानते हैं कि कानून हमारे पक्ष में नहीं है, हम उनको मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि जबरदस्ती हम लोगों पर क्यों कानून थोपना चाहते हैं। आखिर कौन से अडानी अंबानी की बात चलती है तो कौन लोग हैं जिन्होंने सरकार को इतना ज़्यादा प्रेशर में ले रखा है कि वो किसान की बात नहीं सुनना चाहती और बिचौलियों की बात सुनना चाहती है, जबकि किसान डायरेक्ट सरकार का समर्थन किया है। डबल इंजन की सरकार है, योगी जी मोदी जी की सरकार चल रही है, तब ऐसे में हमारे पर कानून क्यों थोपे जा रहे हैं? हमारी जबरदस्ती क्यों की जा रही है? मंडियां क्यों खत्म की जा रही है? MSP की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है? ये बिचौलिए क्यों डाले जा रहे हैं? ये हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जबरदस्ती काहे की है? हम लोग इसी बात का विरोध करते आए हैं। अगर संवैधानिक ढंग से विरोध करते हैं तब भी कहा जाता है कि आप अराजक तत्व हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती तो प्रशासन करता है, हम लोग होते हैं 200 लोग, वो आ जाते हैं 1000 लोग, तो ये तो वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमको निकलने नहीं देते। हमारा तिरंगा हमको 26 जनवरी के अंदर ऊपर उसको उठाकर चलने नहीं देते शान से, जबकि हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं? पैदल मार्च कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहे, आराम से कर रहे हैं, कार्य शांतिपूर्वक कर रहे हैं, फिर भी उनको हिंसा नजर आ रही है, जबकि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोगों ने उपवास रखा था महात्मा गांधी के शहादत के दिवस के अवसर पर। ऐसे में जबरदस्ती किस बात की है? हम तो ये कहते हैं बाजार में ऐसे ही नहीं आ जाता आटा, जब कड़ी धूप में काटता है किसान तब आता है आटा, गेहूं काटता है जब किसान, तो ऐसे में हम लोगों को मंजूर नहीं है तो ये कानून उनको वापस लेने चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। एक तरफ सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को,
जबकि छोटे छोटे किसान जो गरीब किसान है, अगर आप पता करिए अपने स्तर से, आप सर्वे करिए, तो उनको 2000 रुपए नहीं मिले हैं अभी तक। और उनको छोटी ट्यूबवेल पे अगर छोटी सी जरूरत पड़ती है, छोटे ट्रांसफार्मर की, छोटी लाइट व्यवस्था की, तो उनको बड़ा सा प्रोजेक्ट दिया जाता है कि इतने आप ले लीजिए, जबरदस्ती उनको ज्यादा दिया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इस तरह से दिखावा करके क्यों परेशान किया जा रहा है किसानों को? आप अगर सचमुच में उनके हमदर्द हैं, सचमुच में आप उनकी जो है सहानुभूति रखते हैं, तो आप गाँव गाँव आइए, हम लोगों से मिलिए, हम बताते हैं किसानों की क्या समस्या है। आप संगठनों से मिलिए, संगठनों को आप ये न समझिए कि हम सरकार के खिलाफ हैं, हम कानून के खिलाफ हैं, हमारे किसान, हम किसान भाइयों के साथ हैं, हम कोई प्रकार का राष्ट्रद्रोह नहीं कर रहे, हम कोई प्रकार की शांति भंग नहीं कर रहे, हम भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता हमारी माता है, इस बात को हम सर स्वीकार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धीरज पांडे जी, आपने बताया कि जिस तरीके से आप लोग जब भी कोई आंदोलन करते हैं, आपसे ज्यादा फोर्स लगा दी जाती है, 73 दिनों की अगर बात करें तो किस तरीके से आप पर पुलिस प्रशासन ने या प्रशासन ने निगरानी रखी? जब से हम लोगों ने आंदोलन में इसमें हिस्सा लेना शुरू किया, वहां दिल्ली की काल पर दिल्ली को समर्थन देने के लिए हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया जनपद सीतापुर के अंदर, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, शिवप्रकाश जी बैठे हैं, उमेश दादा बैठे हैं, सिद्धू भाई बैठे हैं और हम बैठे हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने LIU के माध्यम से या अपनी गुप्तचर एजेंसी जो कहते हैं सरकार की, उसके माध्यम से हम लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। हम लोगों से बताया गया कि आप वहां ना जाइए, आप यहां ना आइए, आपका पुराना जो है आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया जाएगा, आपको डरा दिया जाएगा, आपका व्यक्तिगत नुकसान करा दिया जाएगा। तो हमने भी कह दिया व्यक्तिगत नुकसान आप हमारा करा दीजिए, जो कुछ भी है हमारे पास, लेकिन हम किसानों की बात पर खड़े रहेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में अगर हमारा कोई भी, हम तन मन धन से किसान के साथ है, हमारा कोई नुकसान का कोई मतलब नहीं है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, किसानों के साथ है, हमारा अपना निजी नुकसान यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, सबसे पहले किसानों का हित है। तो आप देख रहे हैं आई इंडिया का खास कार्यक्रम स्वाभिमान परिवार, अब की आर या पार। तो हमारे साथ मौजूद हैं किसान आंदोलन के वह प्रमुख जो संगठन है और आज चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के। तो शिवप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कहती है कि हम दोगुनी आय करेंगे, हम ज़्यादा दूर न जा करके, चूँकि अभी साथियों ने या किसानों ने आपके धान की बिक्री की होगी और अब बेचा भी जा रहा है, क्या उन्हें वाजिब मूल्य सीतापुर में मिला है? सबसे ज़्यादा सोचने की बात तो ये है कि महीने डेढ़ महीने किसान अपने धान के लिए खड़े रहे, लाइनों में लगे रहे और मुश्किल से 10% लोगों के धान ही क्रय केंद्रों पर बिके, जिनके लिए हम लोगों को भी संघर्ष करना पड़ा और प्रशासन को भी जहां दखलंदाजी देनी पड़ी वहां किए, लेकिन बिचौलिए और प्रशासन की मिलीभगत से किसानों का शोषण किया गया। दुर्भाग्य है इस बात का कि घोषणाएं तो होती हैं, मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, परंतु धान जो है किसान का सिर्फ 1100 में बिका। उन किसानों का दर्द मेरी समझ में नहीं आता जो बेचारे महीनों लाइन में लग के, किसी का धान उग गया वहीं, किसी का कुछ हुआ, किसी का समस्या आई, बिस्वा क्रय केंद्र पड़ता है अपने यहाँ, तो मुझे सूचना मिली, मैं बिस्वा केंद्र के पहुँचा और वहाँ पे धरना शुरू किया, लेकिन हुआ ये कि उप जिलाधिकारी महोदय मौके पे पहुँचे, अपनी मिली भगत के चलते वो उसी का पक्ष लेते रहे। ये सब देखने की चीज़ें हैं, लेकिन क्या बताया जाए, हम लोग संघर्ष तो करते हैं लेकिन जनपद सीतापुर में अब भी हम किसानों की जागरूकता में कुछ कमी है। कुछ लोग करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन बहुत से साथी, बहुत से किसान अब भी अपने घरों से निकलना इस संबंध में वाजिब नहीं समझते। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एकजुटता नहीं होगी हम लोगों में, तब तक इन समस्याओं का निराकरण संभव नहीं है। मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा, 100 में 70 हम किसान हैं फिर भी लूटे जाते हैं, अपनी गठरी हल्की लगती, मुट्ठी वाले भारी हैं। ये एक ऐसी पद्धति है जिसको हमको आपको तोड़ना होगा और किसानों को अपनी समस्याओं के लिए अब एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा, तभी इन समस्याओं का निराकरण संभव है। तो मिल करके सभी लड़ेंगे तभी समस्या का निराकरण होगा, ये आपका कहना है। हमारे साथ उमेश पांडे जी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ये कहते हैं कि आप लोगों का जो विरोध है बिलों का, वो तकनीकी नहीं बल्कि सियासी है, इसमें आप किस नज़रिए से देखते हैं? अबे कौन चुनाव लड़ना है हमको जो हम सियासी हो जाएंगे, हम तो वोटर हैं। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा मैं आपको। जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए,
उस समय गन्ना छिलाई हार्वेस्टिंग जो गन्ने की है उसकी मजदूरी 30 रुपया कुंटल थी, आज से 4 साल पहले। आज की तारीख में वो 60 रुपया कुंटल हो गई, यानी 30 रुपया कुंटल केवल हार्वेस्टिंग यानी गन्ने की छिलाई की मजदूरी 30 रुपया कुंटल बढ़ गई। आप अगर बुआई की मजदूरी जोड़ें, आप उसमें फर्टिलाइजर का जोड़ें, तो 70 से 80 रुपया प्रति कुंटल उत्पादन लागत बढ़ गई गन्ने की। रेट कितना बढ़ा, मैं 2-3 मीटिंगों में किया जहां अधिकारी हमको हमसे पूछ रहे थे को तरीका बताइए कि कैसे आपकी आमदनी दूनी होगी। उन्होंने जब बताना चालू किया, एग्रीकल्चर सेक्टर के थे, मंडी के लोग थे, तो हमने कहा भाई क्या बेवकूफ़ी की बात हमको समझा रहे हो। इस धरती पर वो कौन आदमी है जो ये नहीं जानता, वो कौन किसान है जो नहीं जानता कि अगर खेती के साथ मैं एक परचून की दुकान करूंगा तो मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, मैं 2 भैंसे पालूंगा उसका दूध बेचूंगा मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। कौन किसान नहीं जानता, और अगर मैं ये करता हूं तो इसमें सरकार का क्या योगदान है। ये तो मेरी अपनी तकनीक है, मेरे अपने सोचने का नजरिया है, ये तो मेरी अपनी क्षमता है कि मैं कितना काम करके अपनी आमदनी बढ़ा रहा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वो तरीका बताइए जिससे आमदनी दुनी हो जाए, तो हमने कहा भाई 325 रुपया कुंटल गन्ने का दाम है, इसको 650 रुपया कुंटल कर दोगे आमदनी दुनी। उन्होंने कहा यह संभव नहीं। मैंने उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी तो गन्ने का रेट, जब आई है मुख्यमंत्री बनके, तो गन्ने का रेट था 125 रुपया कुंटल, और 5 साल बाद जब मायावती गई तो गन्ने का रेट था 250 रुपया कुंटल। इसको कहते हैं आमदनी दूना। 50 किलो की यूरिया के इकट्ठे को 45 किलो करने वाले लोग हमारी आमदनी बढ़ाएंगे। 7 साल हो गए मोदी जी को, 7 साल में इस देश के किसी किसान प्रतिनिधियों से, किसान संगठन के डेलीगेशन से, बजट से पहले भी इस सरकार में किसी ने बात की है क्या? हम 2वें दर्जे के नागरिक हैं, हम इस देश का हिस्सा नहीं हैं, हम अछूत हैं, हम वोटर नहीं हैं, हमने आपको वोट नहीं दिया, हम खालिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं। लेकिन आंदोलन करने वाले कई संगठन आज उनके पाले में खड़े नजर आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको गलत ठहरा रहे हैं। अरे भाई, उनके पाले में कौन है? आप सीतापुर जनपद में ही देख लीजिए, बीएम सिंह जो 40 संगठन बात कर रहे थे, जो 40 किसान नेता बात कर रहे थे सरकार से, बीएम सिंह उसमें शामिल नहीं थे। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आंदोलन है ना, ये यहां से निकलता है, जज्बात से, जज्बे से। जो आंदोलनकारी मुकदमे से डर गया, जो आंदोलनकारी पुलिस प्रताड़ना से डर गया, और जो आंदोलनकारी इस बात से भयभीत हो गया कि वो जेल जा सकता है, वो आंदोलनकारी नहीं हो सकता। एक मुकदमा कायम हुआ, लोग भाग गए, क्यों? बुजदिल और कायर थे, और उनके जाने से, एक बात आप समझ लीजिए, ये आंदोलन किसी किसान नेता के बस में नहीं है। जो किसान नेता ये घोषणा कर देगा कि हम अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं, पत्थर मारेगी, जूत मारेगी पब्लिक, जूत, नेतागिरी उसकी चलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन को हमने अपने दिल से लिया है, ये हमारी पीढ़ियों की आजादी की लड़ाई है। अब यह तय होना है कि हम अपनी निभा ले गए, हमारी बाद की पीढ़ियां, हमारे बेटे, हमारे बेटों के बेटे अपनी जमीन पर खेती करेंगे या इन पूंजीपतियों की गुलामी करेंगे। लड़ाई इस बात की है, ये नेता वेता आप कुछ नहीं है, जिसको जाना है वो जाए, आंदोलन हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे। तो जैसा कि उमेश पांडे ने ऐलान कर दिया है कि आंदोलन अब ये खत्म होने वाला नहीं है जब तक कि उनकी मांगे या कानून के बिल रद्द नहीं हो जाते हैं, ये ऐलान आज उन्होंने कर दिया है। ये किसी नेता के भी बस की बात नहीं है, ये भी स्पष्ट कर दिया है। पिंदर सिंह जी, ये बताइए कि जैसा कि केंद्र सरकार बराबर ये भी कह रही है कि हम तो वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता हमेशा जितनी बार भी हुई सफल नहीं हुई, क्या बिल्कुल तय है कि आप लोग बिलों के, जब तक ये जो नया कानून लाए, जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं? अब ये तो जो वहाँ संगठन हमारे अगवाकार जो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि जब ये बिल में खुद सरकार ने माना है कि 9 से ज्यादा कमियां, तो सरकार ने माना, पहली बात तो कमियां मानती नहीं सरकार, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों ने जो समझाया, जिन्होंने माना है कि 9 से ज्यादा गलतियां हैं इस बिल में, जब 9 से ज्यादा गलतियां इस बिल में है तो क्या जरूरत है भाई पास करने की? अब किसान आपसे कह रहा रद्द कर दो, उसके बाद में एक किसान संगठनों के साथ मीटिंग करो और ऐसा बिल लाओ जो किसान के हित में हो, जनता के हित में हो, और सरकार के भी हित में हो, किसी पूंजीपति के हित में ना हो, ऐसा बिल लाना चाहिए ना इनको। तो अगर हम बात करें तो सीतापुर में ऐसे कितने किसान संगठन हैं जो आज
इस बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे लोग जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, हर आदमी इसका विरोध कर रहा है। बट बात यह है कि हमारे यहाँ किसान जो है ना वो गरीब है और छोटा किसान है। इस समय गन्ने का टाइम चल रहा है तो गन्ना लेके जाता है, पूरा दिन उसका उसमें निकल जाता है और उन्होंने कभी आंदोलन इतना बड़ा देखा नहीं। ये पहला आंदोलन है जो इतना बड़ा हो गया है अंग्रेजों के जाने के बाद। अब हर किसान जागरूक है, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया तो दिखा रहा है। अरे नेशनल न्यूज चैनल वालों ने तो हमें खालिस्तानी बता दिया। जिन्होंने देश के खातिर अपने लहू की एक एक बूंद दी है वो हमें खालिस्तानी कहते हैं। हमें बताएंगे कैसे हम लोग भारतवासी हैं। भारत हमारा है और पूरे हर भारत में हमारे लोग रहते हैं। जब पूरा हमारा भारत है, इसमें खालिस्तान वाली बात किसमें आ गई? जो देखो भाई मीडिया बता रही खालिस्तानी इसमें आ गए। अरे जो किसान आए हैं आप उनसे बात करो, आपसे किसान बात करना चाहता है। मैं तो चाहता हूं जो किसान नेताओं की मीटिंग और मंत्रियों की मीटिंग होती है उसका लाइव प्रसारण हो और भारत की जनता को दिखाया जाए। जनता के जो मन में जो भी भक्त है उनके मन में कुछ है कि पता नहीं कौन सी बात ये किसान संगठन करते हैं जो मंत्री जी मानते नहीं, तो वो जनता को पता चले कि भाई किसान संगठन क्या कह रहे हैं और मंत्री जी क्या कह रहे हैं। तो लाइव होगा तो सारे देश की समझ में आ जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज किसानों ने मांग ली जो देना नहीं चाहते आप। भाई एक बार इसको आप होल्ड के लिए कह रहे हो, आप वैसे कह दो चलो ठीक है भाई नहीं लागू करेंगे, सारे किसान भाई अपने अपने घर जाओ, हम आपको MSP की गारंटी देते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इनको अच्छा लग रहा है कि लाखों किसान बॉर्डरों पे बैठा है और अब दिन पर दिन लोग जा रहे हैं? पहले हमारे सीतापुर से कम 200-400 लोग गए थे स्टार्टिंग में, अब तो हजारों लोग गए हैं जो शासन प्रशासन को पता नहीं, आ रहे हैं लोग जा रहे हैं लोग, फिर भी ये घरों में जा जाके दबा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं उनको, लोकल की पुलिस थाना मतलब जो भी हर तरीके से दिल्ली मत जाना, दिल्ली जाओगे तो तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा लिख जाएगा वो मुकदमा लिख जाएगा। कल तो हमारे यहाँ SDM साहब हमारी जमीन नापने पहुंच गए, कल जैसे हमने ज्ञापन दिया है मोहली में शांतिपूर्वक तरीके से, करीब 500 पुलिस वाले वहां खड़े थे और हम लोग ज्ञापन देने वाले 300 ही लोग थे। इस तरीके की घेराबंदी करी थी कि पता नहीं हम लोग कौन सा काम करने ऐसा जा रहे, ज्ञापन देना भी हमारे इस जिले में उत्तर प्रदेश में क्या जुल्म हो गया है। अरे भाई अभी आंखें खोल लो, आपके पास समय है। अगर सारा किसान भारत का जाग गया आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां जाओगे, जैसे आए थे वैसे चले जाओगे। धीरज पांडे जी ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि अब भी प्रशासन आके खोल ले और जाग जाए, नहीं तो ये जगाने का काम कर देंगे, आपको लगता है कि जो विपक्षी दलों को करना चाहिए था वो इस आंदोलन में, जैसे उन्होंने सरकार ने उनको ख़त्म किया विपक्षी दलों को, अब आपके भी आंदोलन को आपके मुताबिक कुचलने का प्रयास हो रहा है, क्या लगता है कि कोई आंदोलन या विपक्षी दल बचे ना, ऐसा कुचक रचा जा रहा है? देखिए ये आंदोलन हर एक आम इंसान, आम नागरिक, आम हिंदुस्तानी का है, क्योंकि हर एक लगभग घर में किसानी होती है, बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जहाँ किसानी नहीं होती हो। तो ऐसा है कि जब किसान का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। कहावत कही गई कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। तो जब हम किसान लोग बनाते हैं हिंदुस्तान, जब कहीं पर कोई मजदूर होता है, वो किसान होता है, वही खेती करता है, तो ऐसे में हमको दबा क्या देंगे? हम लोग कोई 2-4-10 लोग तो है नहीं जो दबा देंगे, हम लोग तो करोड़ों भारत की संख्या है, हम लोग भारत के नागरिक हैं, भारत की जनता है, तो हम लोग दबने वाले कहाँ हैं? और ये अगर दबाने काम करेंगे तो उल्टा अपना नुकसान खाएंगे। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर सरकार अपनी बैक फुट पर आकर के अपनी बातों को मान ले गलतियां, अभी कोई ऐसे हालात नहीं, हम लोग सरकार पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि आपने ऐसी क्या कर दिया, लेकिन अगर वो गलती मान लेते हैं और हमारे किसानों का भला कर देते हैं और मंजूर कर लेते हैं कि कैसे कानून गलत आया हमारे सामने, तो हम लोग कोई बैर नहीं रह जाएगा। आप देखिए जिला सीतापुर के अंदर कभी मूंगफली हुआ करती थी, आज हम लोग मूंगफली बाहर से मंगाते हैं, क्या हुआ? किसानों को असुविधा करी गई, किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई। हम लोग कितना ज्यादा अब आजकल गन्ना हम लोग बो रहे हैं, गन्ने के 14 दिन का पेमेंट का नियम है, उसके बाद अगर ना पेमेंट कर पाए चीनी मिल तो ब्याज का नियम है। आप बता दीजिए कि कितना ब्याज मिलता है, और 14 महीने हो जाते हैं किसान अपना भुगतान नहीं पाता। इस दौरान क्या चीनी मिलों के अधिकारी लोग तनख्वाह नहीं पाते, या अधिकारी लोग तनख्वाह नहीं पाते, जिला गन्ना अधिकारी या जो भी अधिकारी इसके संबंधित हैं वो तनख्वाह नहीं पाते, लेकिन किसान को मजबूर किया जाता है कि अपना ना त्यौहार कर पाए, ना अपना वो घर गृहस्थी चला पाए, वो गरीब का गरीब बना रहे, दुखिया का दुखिया बना रहे। हम लोग मेहनत करते हैं, अगर दो पैसे हमको मांग रहे हैं अपने, हमको मंजूर नहीं है कानून,
तो ऐसे में उनको क्या हालात ऐसे हैं जो हमको मजबूर किया जा रहा है। हम अपने बच्चों को अपने अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं गन्ने के पेमेंट में, अभी स्कूलों में हम लोग किसान लोगों से जबरदस्ती फीस जमा कराई जा रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सरकार के द्वारा बात पहुंचाइए कि किसानों के बच्चों को उनमें जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है उनको पैसे माफ किए जाए और उनकी व्यवस्था देखी जाए जिससे कि उनकी पढ़ाई और उनकी दवाई चलती रहे। ऐसे में आंदोलन को दबाने का काम न करें जबकि किसान का सहायता करने का उसकी सहानुभूति लेने का काम करें ना कि उसे जबरदस्ती करने का काम करें। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, अब हम फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं और जो हमारे आज गेस्ट हैं उनसे सीतापुर की समस्याओं को लेकर खासकर किसानों की जानेंगे। तो हम सबसे पहले शिव प्रकाश सिंह जी के पास चलेंगे। अगर सीतापुर के किसानों की बात करें, आप लोग लंबे समय से किसान आंदोलन करते आ रहे हैं, यहाँ के आप किस यहाँ के जो किसान हैं वो कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या प्रशासन जो प्रशासन स्तर की समस्याएं हैं जितना तत्परता आपको रोकने की दिखाता है उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन नज़र आता है? नहीं, प्रशासन बिल्कुल मुखदर्शक रहता है हम लोगों की, जब किसी भी समस्या पर ध्यान देना वो अपना फर्ज नहीं समझते। सीतापुर जनपद गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और इस गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा जबरदस्ती किसानों को कोराजिन एक दवाई है डलवाई जाती है। कोराजिन से धरती में जो होती है उर्वरक क्षमता, उस उर्वरक क्षमता को ऊपर गन्ने में हरियाली आ जाती है तुरंत और बहुत जल्दी ही वो खेत ऊसर की भूमिका में हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये भी एक शोषण ही है भाई, चीनी मिल अपने लाभ के लिए अपने फायदे के लिए जबरदस्ती किसानों को कोराजिन का उपयोग करवा रहे हैं। किसान अगर गोबर की खाद और अन्य खादों से अपना जैविक खादों से अपना वो करना चाहे तो उस पर भी रोक लगती है। 3 साल पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था जिसके संबंध में सभी चीनी मिल के लोगों ने संपर्क किया और पता नहीं कहाँ से प्रशासन सीतापुर का प्रशासन उनके चंगुल में आ गया और उसको अभी तक कोई भी रोक नहीं लगाई गई। उमेश पांडे जी, आप तो बैठकों में जाते हैं, आप हम देखते हैं कि बरसों से आप जिला प्रशासन की जो बैठक होती किसानों के साथ, प्रगतिशील किसान भी उसमें बुलाए जाते हैं और बैठकों में बड़े बड़े दावे होते हैं कि किसानों की समस्याओं को सुना गया और उनको निस्तारण कराने के लिए आश्वासन भी मिलता है, फिर भी आप ये बताइए कि सीतापुर में जो किसान है वो किन किन समस्याओं से जूझ रहा है और जो ये अधिकारी हैं, शासन है, प्रशासन है, उनको दूर कराने को लेकर कितना तत्पर दिखता है आपको? देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मेरा अपना अनुभव है इतने दिनों का, वो काम करते हैं उसकी तनख्वाह लेते हैं, वहाँ इसलिए नहीं बैठे कि वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। उनको 10 बजे से 5 बजे तक अगर काम करना है तो 10 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे। हमारी अपनी समस्याएं आप अगर मिनट्स उठा लें, जो किसान बैठकें हैं उनकी, जब से किसान बैठक चालू हुई मायावती की गवर्नमेंट में वो किसान बैठकें चालू हुई थी, अगर आप मिनट्स उठा लें किसी सिंगल समस्या का समाधान नहीं हुआ। मायावती रहीं 5 साल, 3 साल मायावती के टाइम रहा, फिर 5 साल अखिलेश के टाइम रहा, फिर 4, 5, 4, 9, 10, 11, 12 साल से किसान बैठकें चल रही हैं। कोरोना काल के टाइम सब कुछ हो रहा है लेकिन किसान बैठ, किसानों के प्रति संजीदा अगर सरकार नहीं होगी तो प्रशासन संजीदा कैसे होगा? प्रशासन की तो पूरी ताकत गोल गोल घुमाने की है, गोल गोल घुमाने की है, गोल गोल घुमाने की। आप सौगंध लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों से पूछिए, अपना धान वो अपने ट्राली उनकी सेंटर पे गई हो, बिक गया हो, ऐसा हुआ है, उसके लिए उनको 5 से 7 टेलीफोन नहीं करने पड़े क्या? सत्ताधारी दल का विधायक अपना धान बगैर सिफारिश के नहीं बिचवा सका है। हर गांव के विधायक सुरेश राही 2-2 बार धरने पर बैठे हैं। अंधी है सरकार? अगर समस्या नहीं है, अगर सभी समस्याओं का समाधान है तो सत्ताधारी दल के विधायक को धरने पर बैठने की क्या जरूरत है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, गेहूं कटान पे है सीतापुर जनपद की नहरों में अब तक कितनी बार पानी आया जो टेल तक पहुंचा? गेहूं की सिंचाई का समय जो होता है यह ठंड का होता है, ठंड के समय जो बिजली की कटौती है देहात में मेरे यहाँ
वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और फिर 3 बजे से रात को 8 बजे तक रात भर पूरी बिजली देंगे। मैंने अधिकारियों से पूछा कि गेहूं की सिंचाई दिन में होती है रात में होती है? अरे भाई आप विद्युत कटौती जो आपका रोस्टर है उसको चेंज कीजिए रात में। मतलब मैं 1076 पे टेलीफोन करता हूँ, मैं MD पावर कॉर्पोरेशन से बात करता हूँ, मुझसे ये कहा जाता है कि आप अपने एक्सचेंज से लिखवा के भेजिए, एक्सचेंज से मिलता हूँ, चिट्ठी लिखी जाती है, धीरे धीरे सीजन निकल जाता है, काम खत्म, मामला वहीं का वहीं। 50-50 बार टेलीफोन करो। मैं समझता हूँ कि जो किसान संगठनों के संपर्क में किसान थे केवल उन किसानों का, या जो बहुत जुझारू थे, खुद आक्रामक थे, अरे मेरे यहाँ पनाह नगर सेंटर पे, तहसील मिश्रिक और ब्लॉक मिश्रिक का एक पनाह नगर सेंटर है, उसमें सरदार जी का 15 दिन तो ट्राली उनकी खड़ी रही सेंटर पे, 15 दिन के बाद अचानक सेंटर बंद हो गया। मतलब जो 4-5-6 ट्रालियाँ थीं उनको तोले बगैर वो सेंटर बंद हो गया, तराजू उराजू उठ गया। हमने जब पता लगाया तो पता चला सेंटर इंचार्ज ने एक रिपोर्ट लगा दी कि मानक विहीन धान। हमने सरदार जी से कहा कि भाई कल सुबह ट्राली उठा लाओ। दूसरे दिन जो सब जब सुबह सरदार जी अपनी ट्राली लेने गए तो धान सहित उनकी ट्राली चोरी हो गई, वो 3-4 दिन बाद हरदोई जनपद में बरामद हुई। ये हाल है, ये समाधान है इस सरकार में? खून की एक एक बूंद, बस इनका बस नहीं चल पा रहा है कि हमारे गुर्दे निकाल लें, हमारी रगों से खून निकाल कर ये सीतापुर की सड़कों पर बिखेर दें। मतलब हद है। 18 तारीख से, मतलब वैसे तो अभी तक 18 से पहले तो ये होता था कि जब कोई आंदोलन का, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जब नेशनल काल होती है तभी आंदोलन करते हैं, नेशनल काल हुई किस तारीख को ये करना है, ऐसा लगता है कि जैसे दाऊद इब्राहिम हैं हम, चंदर तस्कर बीरप्पन जैसी हैसियत है हमारी, ओसामा बिन लादिन हूं मैं, पूरा घर पुलिस से घिरा, मतलब पूरा का पूरा घर है, आप नहीं जाओगे भाई, आप नहीं जाओगे। अरे भाई मैंने पूछा कि मेरे जाने से योगी जी की सरकार गिर जाएगी क्या, भूचाल आ जाएगा क्या, मैं हाड़ मांस का आदमी हूं भैया, लोहे का तो नहीं हूं कि सीतापुर की सड़कों पे जाऊंगा। बदबू आती है इनको हमारे पसीने से, नफरत करते हैं ये हमसे। क्यों? क्योंकि ना हम ब्यूटी पार्लर में इन अधिकारियों और इस सरकार के मंत्रियों की तरह, वो क्या कहते हैं, महिलाएं कराती मसाज, अब तो जो ये अधिकारी कराने लगे, वो फुस फुस वाला जो सेंट डालते हैं ये लोग, जिसको उतार के पूरे बदन में, और महकुआ क्रीम, ये उनसे मिलते हैं, उनकी बात करते हैं, चाहे सत्ता के लोग हों चाहे प्रशासनिक लोग हों, इनका बस नहीं चलता। न गन्ने वाली मशीन में पैर के, और ये गोमती गंगा या सराय नदी में हमारे खून को बहा दे, इनका बस नहीं चलता। हमको काट काट के बूचल खानों में सप्लाई करा दे, इनका बस नहीं चलता। इतनी व्यथा है, इतनी पीड़ा है, इतना आक्रोश है, हम लोग ये सोचने लगे हैं कि सरकार को चुन के हमने पाप किया है क्या, गला फाड़ फाड़ के। एक समस्या मैं आपको बताऊं, अभी तक साणों से खेत बचाना समस्या थी, अब साणों से खेत के साथ साथ जान बचाना एक समस्या हो गई है। आप किसी भी सड़क पे निकल जाइए गांव की, आपको 25-25, 50-50 के झुंड में गांव वाले भाला बल्लम लिए हो करते हुए, क्यों? अगर वो एक दो लोग हैं तो सांड पलट के उनको मार देता है, सांड मर जाए तो हाहाकार है, और सांड से किसान मर जाए तो सरकार खामोश है। ये होगा इस देश में, बस अब और नहीं। ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन में जरूरी नहीं कि लोग सड़क पे निकलकर इंकलाब बोलें। आप किसी गांव में चले जाइए रात को कोहरे पर बैठे हुए, अगर किसान आंदोलन की चर्चा ना हो रही हो, क्योंकि धान तो सबने 1868 वाला 1100-1900 में बेचा है ना, गन्ने की हार्वेस्टिंग का 30 रुपया कुंटल बढ़ा है, रेट एको नहीं बढ़े, ये तो सबको मालूम है ना। गन्ने की पर्ची पे जो 0-0 ले, अजब हाल है। मतलब हम गन्ना बेच रहे हैं, ये हिंदुस्तान में संभव है, उत्तर प्रदेश में संभव है, ये योगी जी और मोदी जी के राज में संभव है कि हम अपना गन्ना बेच रहे हैं, 3-4 महीने हो गए चीनी मिल चले हुए, हमको ये नहीं मालूम कि हमारे गन्ने का रेट क्या आएगा। मैंने केन कमिश्नर से पूछा था पिछले साल कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, आप हमको बता दीजिए कि अगर मैं लोगों की पर्चियां मांगकर फरवरी तक अपना गन्ना सप्लाई कर दूं तो किस तारीख तक आप हमको भुगतान दे देंगे ताकि मैं वो डेट रखूं अपनी बेटी की शादी के लिए, दरवाजे से बारात लौट जाए गन्ना किसान की बेटियों की, अगर लोग मदद न करें। धिक्कार है इनकी सोच पर, पता नहीं कहां से भाई, क्या मैं बताऊं, मुझको तो मतलब शर्म आती है ये सोचकर कि हमने भी कभी
ऐसी सरकार को चुनने के लिए वोट किया था, हमने पाप किया है, उसका प्रायश्चित करना और सरकार से कहना चाहता हूं, अभी बिल वापसी की बात है, अभी सरकार वापसी का आह्वान नहीं हुआ है, सुधर जाओ, पेट से नहीं पैदा हुए हो, ईवीएम मशीन से पैदा हुए हो, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर। मैंने तुमको इसलिए नहीं चुना था कि तुम कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाओगे, कांग्रेस को मैंने लात मारी थी क्योंकि उनकी नीतियां हमको नहीं पसंद थी, तुम कांग्रेस की भी टीम होकर काम करोगे, तो अगर तुमको कांग्रेस की नीतियों पर ही काम करना है तो हम कांग्रेस को क्यों हटाए थे ये हमको सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत बड़ी विडंबना है। फिर मैं कहना चाहता हूं, न कोई सत्ता न कोई सरकार, अब विधायक सरकार क्या, सरकार का मतलब होता है विधायक, विधायक की जब थाने में सिपाही नहीं सुनता तो किसान की कौन सुनेगा भाई। तो आप जान सकते हैं कि जब सीतापुर के किसानों की समस्याओं की बात एक नहीं अनेक आपने गिना दी तो जाहिर सी बात है कि कितनी समस्याएं हैं और उनको दूर करने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये किसान संगठनों के अगुवाकार ने आपको बता दिया। हमारे साथ पिंदर सिंह जी मौजूद हैं, क्योंकि प्रगतिशील किसानों की अगर बात आती है तो उसमें सिख सबसे ऊपर होते हैं, जाहिर सी बात है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीतापुर में बेसिक जो किसान है वो किन किन समस्याओं से जूझ रहा है। देखो, अभी तक तो धान का पेमेंट नहीं हुआ, जो धान हमने बेचा है महीने महीने बाद नंबर लगा के, उसका भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। हर लोगों घर में शादियां हैं, जब हम लोग धान बेचते थे तो कोई समस्या अगर होती थी तो हमारे एसडीएम साहब, एडीएम साहब, ये सब या मंडी में जितने भी सेंटर प्रभारी कहते हैं, सारी समस्या का सरदारों को ही है और किसी को कोई समस्या नहीं। तो मैं इनको पहले भी कहता था भाई कि जो आदमी खेती कर रहा है, जो आपके यहाँ बेचने आया है, आप उसको देखो। और सबसे ज़्यादा इसमें धान खरीद में जितना घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है मुझे नहीं लगता कहीं होगा। सिर्फ इन्होंने कागजों पे ज़्यादा धान खरीदा है। हमारे यहाँ सीतापुर की मंडी तो बढ़िया चली है, उसके बाहर जो तहसील में कांटे लगे थे, बिसुआ, लहरपुर, मिश्रिक, मोहली में भी ठीक ठाक खरीद हुई है, और महमूदाबाद, यहाँ कहीं खरीद नहीं हुई, सिर्फ कागजों पे धान खरीदा गया है। और जो जो लोग सेंटर पे लेके जाते थे उनसे कहा जाता था, भैया यहाँ धान नहीं बिकेगा आपका, आप ले जाओ मंडी, या बेचना है तो कागज दे जाओ और 1400 का रेट हमसे ले लो, ऐसे ऐसे तय करके 400-500 रुपए क्विंटल पे लेके धान जो है किसानों का लिया है, जिसका अभी तक पैसा नहीं आया। और आगे बिजली की समस्या तो वैसे भैया ने बताई दी है, और सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की समस्या है, जो दिन भर किसान को समय नहीं है, वो आंदोलन तो मजबूरी में, जो ये बिल आते हैं, किसान कहाँ आंदोलन करने बैठा है भाई, किसान के पास इतना टाइम नहीं है, वो तो अपना बस फसल में रहता है, खेती में रहता है। अब तो आवारा पशु भी उसको तंग करते हैं, 24 घंटे आवारा पशु एक जाता है, दूसरा बाप खेत से आता है तो बेटे को भेजता है, बेटा दूसरा आता है तो तीसरा फिर पिता ही चला जाता है उसको, आवारा पशुओं की समस्या है ये है। और धान खरीद में सबसे बड़ा जो घोटाला किया है वो पीसीयू के सेंटरों ने किया है, जो सेंटर सोसाइटियों में लगे थे उन्होंने धान नहीं तोला किसानों का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप हमारी लोगों की तो किसानों की तो कह रहे हो, जो नेता बन रहे किसानों की, इनकी जांच करो, इनके पास कितनी जमीन है, कहां से ये पैसा लाते हैं, कहां से खर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हम किसान नेता हैं भाई, हम नेता नहीं है, नेता भाई लोगों ने बना दिया कि इनकी आवाज बन के उठे हैं। और ये लोग 150 रुपए दे भी देते हैं, भैया लोग तेल डाल लो अपनी गाड़ी में, हम किसी से आप लोगों के जैसा बिकते नहीं है, हम वो बिकने वाले किसान नेता नहीं है, आवाज उठाई है। तो जब तक लहू का एक एक बूंद मेरे है जिसमें किसानों की आवाज बन के लड़ता रहूंगा। और सरकार को जांच करनी है, डीएम साहब, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, तो जांच करिए धान की। इसमें वो लोग कहते हैं कि शासन प्रशासन सब मिला हुआ है, ये सेंटर वाले कहते थे, ये बाबू कहते थे, वो आप पे आरोप लगाते हैं। आप पीसीयू के सेंटरों पर जांच करिए, करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा उसमें। और जिसके पीसीयू के सीतापुर के डीएस थे अमित चौधरी, इसने बंदे ने कभी किसानों का धान नहीं बिकने दिया, कभी बोरे नहीं, कभी कुछ नहीं, महीनों महीनों उसकी समस्या रही है। दो लाइनें मैं कहना चाहूंगा किसानों की समस्या के लिए, जो किसान है वही समझ पाएगा, जो किसान घर से नहीं निकलना चाहता उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कि आप लोग जितना आपको जागरूक किया जा रहा है, दिल्ली की तरफ देख रहे हो, फेसबुक व्हाट्सएप की खबर देखो ये, और ये जो हमारे चैनल लोकल चैनल हमारे हैं वो देखो, आप नेशनल चैनल मत दिखाओ, वो आपको बांट देगा, हिंदू मुस्लिम सिख बांट के। हम लोग किसान की एक जात है भाई, एक जात पे हमें रहना है, किसान कभी जातों में नहीं बढ़ता, और अब सरकार को बताएगा किसान जातों में बढ़ता नहीं। तो मैं कहता हूं कि बनोगे किसान तो जानोगे, सरकार
जो लोग वहां बैठे हुए जिन्होंने बिल पास कर दिया है ना, अगर वो किसान होते तो ऐसा बिल नहीं लाते। जिन्होंने कभी धनिया नहीं बोया है उन्होंने बिल पास कर दिए, उनको क्या पता। तो मैं कहता हूं कि बनोगे किसान तो जानोगे कि क्या तकलीफ है हमें, क्या तकलीफ है हमें, कैसे गन्ना काटा है, कैसे गेहूं बोया है, इस बार धान बेच कर तो मेरा दिल ही रोया है। कैसे गेहूं कैसे गन्ना काटा है, कैसे गेहूं बोया है, धान बेच कर तो मेरा दिल ही रोया है। तो सरकार एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, अगर फिर से जन्म मिले तो मैं सरकार बनूं और तू किसान बने। बनोगे किसान तो जानोगे कि क्या तकलीफ है हमें, क्या तकलीफ है हमें। भारत माता की जय। आपने सब कुछ अपने जो आपने यहाँ पे सुनाया उसमें सब कुछ दर्द समेट कर रख दिया और सरकार को आईना भी दिखा दिया और सरकार से अपील भी कर दी कि आप किसान बन कर के देखिए कि क्या तकलीफ है हमें। यह आपने अपने सब कुछ कह दिया। अब हम बात करेंगे धीरज पांडे जी से। एक चीज़ हम नहीं समझ पाए पूरी बात, कि जब भी हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा कि कोई किसान 10 रुपये कभी 10 रुपये किलो आलू बेचा हो, 10 रुपये किलो कभी टमाटर बेचा हो, या 10 रुपये किलो कभी सब्जी बेची हो। लेकिन जब वो बाज़ार में आती है उसके बाद आप वही रेट देखिए, लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, कभी 60 रुपये तक पहुंच जाती है, कभी 80 रुपये तक पहुंच जाती है, कभी 90 रुपये तक पहुंच जाती है। सीतापुर में भी ये देखने को मिलता है, आखिर ऐसा क्यों? पंकज भैया, आपने किसानों के समर्थन में हम लोगों को बुलाया और ये प्रश्न भी आपने किया है, तो आपको हम बता दें कि किसान एक सीधा साधा भोला भाला होता है, उसको बाजार का हाव भाव नहीं पता होता। वो व्यापारियों की तरह जो लोग बिचौलियों टाइप के होते हैं, दलाल जिनको बोलते हैं, वो नहीं होता। वो अपनी फसल वहीं पर बेच देता है, फिर दलाल लोग जा करके बाजार में उसको साल्टेज करते हैं, अपने पास स्टॉक करते हैं। अपने पास स्टॉक करने के बाद वो माल बाजार के अंदर कम हो जाता है। जब बाजार के अंदर कम हो जाएगा तो जनता उसको मांगेगी कि हमको प्याज चाहिए, हमको आलू चाहिए, हमको लहसुन चाहिए। तब देखिए आप 90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो प्याज के दाम पहुंच जाते हैं और किसान को मिलता है 10 रुपया। आप बताइए 9-10 गुने इससे ज्यादा मुनाफाखोरी है किसी में? ये धंधा इन लोगों ने बना लिया, किसानी जो आज हम अन्नदाता कहे जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था कि हम लोग इतनी मेहनत करते थे, वो किसान हम लोग यहाँ खेतों में करते थे और जवान लोग वहां पर बॉर्डर पे करते थे। लेकिन आज की डेट में ये व्यापार कर दिया गया पूरी तरह से, हम लोगों को बेच दिया गया, हम लोगों को बंधक बना के रख दिया गया। आज हम लोग जब धान के लिए जाते हैं तो कहीं बोरे नहीं होते हैं, तो कहीं पर कई केंद्र के बाबू लोग गायब होते हैं, कई जगह घोटाले पकड़े गए। सत्ताधारी आप देख रहे हैं कितने सेंटर चल रहे हैं, सब सत्ताधारियों के चल रहे हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, आप सब पता लगा लीजिए, आप जांच करा लीजिए। सरकार के क्यों आदमी जांच नहीं करा देते? जांच कराई से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे सेंटर जो बने हैं इनके गन्ना वाले और ये धान वाले सारे सत्ताधारी लोगों के हैं, सब लोग जानते हैं कैसे उन लोगों ने काला बाजारी करके और दूसरी खतौनी पे खसरा खतौनी पे धान खरीदा और उसको 900-1000 रुपए दिए और अपना 1868 रुपया MSP का मूल्य प्राप्त करा। तो किसान डायरेक्ट MSP क्यों नहीं पा सकता है? आज जब उसने कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करी, तो ऐसे में आज जब लंगर चल रहा था और सिख समुदाय लंगर कोरोना के टाइम में सबको खिला रहा था, तब वो देशभक्त थे। आज उन्होंने जब अपनी किसानों की मांगे आगे वो अगुआकार बने हैं, तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। खालिस्तानी के क्या मतलब है? खालिस्तानी आंदोलन तो कब का खत्म हो चुका है। पंजाब के अंदर शांति बहाल है, पूरे देश के अंदर सिख लोग गुरुद्वारों के माध्यम से लंगर चला रहे हैं, पूरी सौहार्द मिला है, भाईचारा बना हुआ है। आप बांटने का काम करते हैं, आप उसको डांटने का काम करते हैं, आप डराने का काम करते हैं। जिस दिन हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं मीडिया हमारा सहारा है, आप हमारा नुकसान करिए, ये मीडिया दिखाएगा। अगर आप हमारा नुकसान करेंगे तो आपका नुकसान उससे 100 गुना ज्यादा होगा। हमारे अपने नुकसान की हमको चिंता नहीं है, आप अपने नुकसान की चिंता करिए। हमारे पास है ही क्या? हम लोग तो पूंजीपति नहीं है कोई, हम लोग छोटे मोटे किसान है। जनता के प्यार ने हम लोगों को यहाँ पर बैठा दिया, पंकज भैया ने आज हमको बुला लिया, बाकी हम लोग तो मामूली किसान है, हमारा क्या नुकसान करोगे आप? लेकिन आप जो हमारा नुकसान करोगे उसकी सहानुभूति पैदा होगी,
हमदर्दी होगी कि आपको वो नुकसान होगा कि आप पैदल हो जाओगे, और जब आप पैदल हो जाओगे तो आप सोचोगे कि आपने किया वो गलत किया और क्यों किया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप जिद छोड़िए और ये सब बातों का आप अपना अहंकार खत्म करिए, हमसे दिल खोल करके मिलिए, हम आपसे किसान होकर के दिल खोल करके मिलेंगे और हमारी समस्याएं सुनिए और हमें समस्याओं का समाधान करिए। जो स्थितियां पहले की थी उनको आप सही करिए, उनको लागू करिए। जब हमारा मन नहीं है आपके वहां आने का तो आप जबरदस्ती हमको क्यों बुला रहे हैं? आप हमारे वहां आइए, हमसे बात करिए, हमारी मेहमान नवाजी में हमारे हम जो भी हमसे बन पड़ेगा आपका हम सत्कार करेंगे। लेकिन आप इस तरह से वहां बुलाते हैं। अभी हमारे सिद्धू भैया ने कहा कि उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, सारी जो वार्तालाप हो रही है विज्ञान भवन के अंदर दिल्ली के अंदर, हम जनता भी देखा है उसमें क्या बात हो रही है। हम जनता है, किसान तो हम ही है, हमको जनता ने नेता नहीं, हम लोग तो सेवक है और अपनी बात बुलंद करते हैं, उसके लिए अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमसे चिढ़िए ना आप लोग, अधिकारी लोग हमसे चिढ़े ना, उसकी जांच करें। तनख्वाह आप पाते हैं, आप तनख्वाह पाइए, आप ये कमीशन खोरी भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, काला बाजारी बंद कर दीजिए, हमको और कुछ नहीं कहना है। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो आपने देखा 73 दिनों में किसानों का दर्द या किसान नेताओं का दर्द सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, सीतापुर जैसे छोटे जिले में भी पहुंच चुका है और वो अपनी समस्याओं को अब सार्वजनिक करने लगे हैं। वह यह भी बताने लगे हैं जब वह अपनी समस्याओं को उठाते हैं तो कैसे उन्हें सुनने के बजाय कुचलने का प्रयास होता है। वह यह भी बताने लगे हैं कि कैसे उनके योजनाओं में भ्रष्टाचार पनप रहा है और उस पर अंकुश लगाने के बजाय सिर्फ किसान आंदोलन करने वाले नेताओं को डराया और धमकाया जाता है। तो इस तरीके से ये दर्द छलका है इन किसान आंदोलन के अगुवाकारों का। आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में पिछले जो किसान आंदोलन हुए हैं, ये जो बैठे हुए स्टूडियो में हैं, ये उनमें से अगुवाकारों में प्रमुख रहे हैं। अब तक यहाँ पर सीतापुर में ट्रैक्टर आंदोलन के अलावा थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन हो चुका है, इसके अलावा मानव श्रृंखला बनाई जा चुकी है, अलग अलग तहसीलों में जिला मुख्यालय पर ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं और ये निरंतर मांग करते आ रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाए और साथ ही उसका निराकरण कराया जाए। आज जो आई इंडिया के स्टूडियो में ये किसान आंदोलन के जो अगुवाकार हैं, इन्होंने सीतापुर की भी समस्याएं रखी हैं। तो हम प्रशासन जो इस कार्यक्रम को देख रहा है या देखेगा, उससे हमारी अपील है कि जो इन्होंने समस्याएँ रखी हैं, आवारा पशु की रखी है, नहरों में पानी की रखी है, बिजली से रात में बिजली आती है दिन में नहीं आती है, इसके अलावा जो इनकी फसलें हैं, अभी इन्होंने धान बेचा है उनमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, या जो पैसा बकाया है, या जो गन्ना बेचा है जिसका मूल्य भी अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, ना ही इन्हें पेमेंट मिल रहा है। तो ऐसी समस्याएं इन्होंने सार्वजनिक कर दी है। हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इनकी मांगों को सुनेगा और उसे दूर कराएगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में किसी नए मुद्दे को लेकर। फिलहाल हमारे स्टूडियो में आए सभी अतिथियों का हम एक बार फिर से धन्यवाद देंगे, शिवप्रकाश जी का, उमेश पांडे जी का, पिंदर सिंह जी का और धीरज पांडे जी का। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।